अच्छा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो वीडियो से आप लोग ने जुड़े रहना, जो हमारे चैनल पर न्यू आ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे ख्याल है आप लोग हमारी वीडियो अब नहीं देख रहे हैं, इसलिए व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, और आपकी तरफ से ये प्यार होता है और आप लोगों का यही साथ हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम वीडियो बाहर से शुरू करें, घर से काफ़ी दूर आए हुए हैं। तो यहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे दरवाज़े फूलों में शाम के टाइम में अच्छा लग रहा है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सिर्फ नमाज हो चुकी है, और उसके बाद अब सामने मैंने दिखाया हुआ है कपड़े वाला। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कपड़े वाले कौन कौन से कपड़े लेकर आया हुआ है। नहीं, कपड़े लेने हैं आपने? देखते हैं, हो सकता है कोई पसंद आ जाए। ये कपड़ों वाले जो होते हैं ना, ये वो दो दो फुट के कपड़े देते हैं। ऐसी बात नहीं है, अच्छे भी होते हैं। जी जी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ इसको तो छोड़ दो, किसी और जगह से ले लेना। मैडम जी, हेलो बेगम, और गल तो सुनो, वो कोई साड़ी भी सुन लिया करो। की सुनाइए, तुसी कपड़े वाले को जा रहे हो? कदी तुसी बलीचना वाले नु चल लेंदे हो? हाँ नहीं, चलते हैं, वैसे देखते हैं, वो भी देख रही हैं, ले रही हैं कौन-कौन। अच्छा, चल के देखते हैं। चलें जी, इसकी भी ये बात अब माननी पड़ेगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आने का जो मकसद था वो ये था कि आप बहन भाइयों को जो है ना गांव का माहौल दिखाना। ये देखें जी, माशाल्लाह, तो काफ़ी दूर आए हैं। और ये इसका मैडम का जो है ना गिला शिकवा भी गलत है कि हमारे बहन भाई हमारी वीडियो नहीं देखते। तो इस पे मैं क्रिटिसाइज करूंगा मैडम को, और इससे पूछूंगा आखिर क्यों नहीं देख रहे। माशाल्लाह आपकी वीडियो कमाल चलती है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चलती है। आपके जो सब्सक्राइबर है ना, नहीं वो आपके सब्सक्राइबर जो पहले सोए हुए थे ना, वो सोए हुए हैं अभी तक, उनको कोई जो है ना ऐसी डोज नहीं मिली तो के उठ जाए। अब वो कम ही उठ रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी टेंशन ना लो, इसी साइड से जाओ। नहीं नहीं, कौन सी सीधी साइड? उस बनने पे का। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग बहुत ही जबरदस्त होगा। हम कोई रेसिपी भी बना रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे, और गांव का माहौल भी दिखाएंगे। और साबरा ने, लाइट है नहीं, सुबह से पानी की एक बूंद नहीं है। पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं है, लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में है, लाहौर तक, कराची, इस्लामाबाद में तो पता नहीं, शायद अगर इस्लामाबाद में अगर हमारी कोई बहनें और भाई रहते हैं तो वो हमें ज़रूर बताएं। तो जी, मौसम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, और ये वाला डिफ घर से अपोजिट रास्ता हम ले रहे हैं, तो हमारे घर इस साइड पे हैं। मेरे ख्याल में वो चला गया है, ये फ्रूट वाला आ गया है। चलो, तो ये सामने ही है मेरे ख्याल में। चलो 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 चलो, नहीं 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 नहीं, बंद। जी जी, अपने बहन भाइयों को माहौल दिखा रहा हूँ जी। ये वही जगह जहाँ से मैं गंदले तो में आई थी, इधर गिर गई थी, वो 4 महीने पहले की वीडियो थी। ये है जी सरसों, काफी सारे फूल निकले हैं, तो अब बीज भी निकल रहा है। कपड़ों वाले के साथ, चलो देखते हैं। तो ये देखें जी, औरतें काफी सारी इकट्ठी हुई खड़ी हैं। तो जी, ये भाई आए हुए हैं गांव में, और बहनें कपड़े पसंद कर रही हैं।
तो ये देखें ये सूट हैं, पता नहीं अब साबरा को पसंद आते हैं या नहीं आते। नहीं मैं नहीं लेने आ रही थी, ये तो ये मेरी बहनें देख रही थी तो मैंने सोचा देखूं किस तरह के कपड़े ले रही हैं। ये नेट वाले कपड़े हैं। नेट क्या होती है ये, खेलने वाला नेट? जाली वाले, अच्छा जाली वाले। तो जी ये भी हैं कुछ कपड़े। चलो चाय तो आ गई है, वैसे भी मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था। क्या हाल है चाचू? चाचू आधे मैं गिन। हाँ चाचू कपड़े गिनने गिन से। अच्छा चाचू आधे मैं गिनने वाले कपड़े। वैसे तो कपड़े अच्छे चले हुए हैं। अच्छा YouTube चैनल है साड़ा बिरा जी, क्या हाल है? चलो उसको ना नहीं वीडियो दे वेच पोच की दे भी दे। ये देखो गले वाला ये लेडीज है सर जी। अच्छा और ये है पेटीएम वाले। अच्छा ये बताओ आप लेने हैं या यहाँ पे जो है ना उनका भी टाइम जो है ना, बच्चे भी इकट्ठे हो गए हैं। क्या नाम है YouTube चैनल ना थोड़े ना? विलेज रूटीन वर्क। ये आज भी जो में क्या क्या हुआ है आपने? ये वाला वैसे अच्छा लग रहा है, आप ले लें, प्यारा है, कलर भी प्यारा है, शादी के हिसाब से सही। वो कह रही है कि शादी के लिए कपड़े खरीदेंगे। बस ठीक है ये भी सही है, मैं तो कहता हूँ ले ही लें। हाँ ये वाला सही है, इसका ये देखें ये ठीक अच्छा है, ये सलवार है बाजी, ये तो मेहरबानी करिए। चलो मेरी सहेली बेचारी अब कपड़े पसंद कर रही है, उसे समझ नहीं आ रही कि लूं या ना लूं, क्योंकि 12 दिन बाद उसके यहाँ शादी है। तो इसमें क्या इसके बोले मुझे दो कलर पसंद आए, मैंने उसे कहा यही ले लो, कहती कि महंगे बहुत दे रहा है, पता नहीं फिर ये या नहीं ये। तो उनके यहाँ शादी है और कल जो है ना इरफाना का खत्म है, तो आज भी मेहमान वगैरह आ रहे हैं। कहीं खुशियां तो कहीं गम, जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल तो शादियां हो रही हैं तो कहीं दुख सुख है। बस यहाँ पे भी मेहमान वगैरह आ रहे हैं, तो हमने अपने बहन भाइयों से व्लॉग शेयर करना था, हमने कहा चलो क्योंकि कल 10-11 बजे जो है ना ख़त्म है। और मैं अपनी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आसिफ फैमिली के लिए ख़ास तौर पर, कि जो मेरी बहनें कुरान जीद पढ़ी हुई हैं, अगर वो कुरान जीद पढ़ के जो है ना इसका सवाब, इसके कुरान जीद का सवाब जो है वो भेजना चाहें तो वो भेज सकती हैं। ठीक है, कोई एक मतलब आयत पढ़ ले या यानी कि अलहमदो शरीफ पढ़ ले, हाँ जितना भी पढ़ सके तो पढ़ के कल लाजमी भेजना है, क्योंकि कल ख़त्म है। तो ख़त्म के बाद तो फिर जो है ना वो तो बाद में जुमराते होंगी, फिर जुमराते पे तो जो भी दावत हुआ करेगी हर वीकली जो है ना इंशाल्लाह करेंगे। बाकी दादा जी हैं मेरे मामू जान जो आसिफ के दादा हैं और मेरे मामू हैं, तो वो भी ख़त्म पढ़ते हैं, तो हर जुमरात वही पढ़ा करेंगे, क्योंकि हम फिर जो है ना ज़्यादा बड़ा शायद प्रोग्राम जो है ना वो ना बनाएं फ़िलहाल, तो जुमरातों के बाद इंशाल्लाह जो भी दावत होगी फिर वो करेंगे। कह रहे हैं कि कल मतलब कुल भी साथ कर रहे हैं। चलो वो वही तो कह रहा हूँ ना, वो असल में इस वजह से कि कहते हैं चलो अच्छी दावत एक हो जाएगी। तो माशाल्लाह हमारा धनिया और मेथी हमने तोड़ी है 2 दिन पहले, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हुई है ये देखें। तो अभी जो है ना थोड़ी सी पीली हो गई है, शायद थोड़ी सी खाद डालनी पड़ेगी अब, हाँ पानी भी नहीं लगा तो शायद इस वजह से। अभी हम बना रहे हैं सालन और देखिए आज मछली ली है, तो इस मछली को फ्राई करके इसमें सारे जो कांटे होते हैं ना वो मैंने निकाल दिए हैं। अब इसको सालन की तरह बनाऊंगी, एक तो पीस की तरह बनाते लेकिन मैं बिल्कुल सालन जैसा बनाऊंगी। सालन और देखिए आज हमने मछली ली है, तो इस मछली को फ्राई करके इसमें सारे जो कांटे होते हैं ना वो मैंने निकाल दिए हैं। अब इसको सालन की तरह बनाऊंगी, एक तो पीस की तरह बनाते लेकिन मैं बिल्कुल सालन जैसा बनाऊंगी।
खतरनाक रेसिपी बनाने वाला बंदा देख ले वीडियो में। अच्छा। हाँ, रेसिपी को आग लगा दी है इसने, अब और क्या कर सकती है बेचारी हैं? इतनी जबरदस्त रेसिपी बनाई है साबरा ने। अल्लाह की बंदी, जरा पीछे भी हट के बैठा करो, आप तो ऊपर चढ़ के रेसिपी के बैठी हो। हाँ, मर्चे भी ले आओ, सामान पूरा करो ना, फिर पानी डाल दिए। चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी, ये देखिए इसमें से मैंने कांटे सारे निकाल दिए हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मछली तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसमें धनिया और सब लहसुन डालेंगे। तो जी खाना हमारा तैयार हो चुका है, तो आज की लिए हमारी वीडियो आप सब हमारे कैसे लगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारी आप सब बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ होती है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे खुश और आबाद रखें, और इरफाना के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। बिल्कुल, अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।